भाई जी डीजल डीजल डीजल। तो यार ये जो हमारी रोड ट्रिप है ना, कोई छोटी मोटी रोड ट्रिप नहीं, बहुत बढ़िया है। 3-4 दिन लगेंगे पहुंचने में। हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भैया अपनी यार रोड ट्रिप स्टार्ट हो गई। मैंने आपको बताया नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं भाई अपने विकास नगर जा रहे हैं। तो ठंडे इलाका वही है जहाँ पे हमें फिलहाल तो बहुत गर्मी है। यहाँ पे विकास नगर ये ठंड के मजे लेंगे। तो सुबह 5 बजे निकलने का प्लान था, 6:30 यहीं बज चुके हैं अभी। और जहाँ तक मुझे लगता है आधा घंटा और लगेगा। अभी गाड़ी में सामान वगैरह डाल रहे हैं, इसके बाद थोड़ा होटल जाना है, रोजी से भी मिलेंगे और थोड़ा सामान वगैरह खुवा के आगे रंजीत गिरी जी उनको पिक करके फिर निकल जाएंगे। तो थोड़ा अभी सामान वगैरह मैं रख लेता हूँ क्योंकि अभी थोड़ा टाइम कम है। तो आपको रास्ते में मिलूंगा, ठीक है। भाई जाते हैं मिलने दोस्तों यारों से अपने। ठीक है भाई, भाई लोगों बाय बाय टाटा। बीस मोड ऑन, रोटी खवाओ। पहला टैंक फुल होते हुए गाड़ी का क्या रेट है आंध्रा में भाई साहब? तेल का डीजल 96 रुपए आंध्र प्रदेश। तो भाई आंध्रा के रेट है 96, आगे फिर तेलंगाना आ जाएगा, फिर महाराष्ट्र आ जाएगा। हर जगह के रेट बताते रहेंगे आपको साथ में। तो फिलहाल भाई बात करी नहीं, अब आपसे बात करता हूँ यार। सो रखे थे थोड़ा, जैसे निकला सुबह बात टाइम नहीं मिला ज़्यादा बात करने का। तो भैया अपनी रोड ट्रिप स्टार्ट हो चुकी है, अपन जा रहे हैं साउथ इंडिया टू नॉर्थ इंडिया। तो विकास नगर जा रहे हैं यार, बड़ी खुशी भी हो रही है। रोजी को छोड़ गए हैं तो उसका थोड़ा गम भी है यार। सिनेमैटिक में बहुत बड़े व्यू आ रहा है यार। तो ये जो पेट्रोल पंप है ना, पता है हमारे यहाँ रुकने का कोई मकसद नहीं था। ये वहाँ से इतना लंबा मार के आए हैं कट, हम उस साइड से वहाँ से यहाँ पे आए हैं। क्यों? क्योंकि ये मेरे पापा के दोस्त का पेट्रोल पंप है। यहाँ इस पंप से बहुत सी यादें जुड़ी हुई हमारी। तो स्पेशल यहाँ रुके हैं, पेट्रोल भी डाल दिया, अभी थोड़ा घूम रहे हैं पापा और कुछ यादें ताज़ा कर रहे हैं भाई साहब। तो यार ये जो हमारी रोड ट्रिप है ना, कोई छोटी मोटी रोड ट्रिप नहीं, बहुत बढ़िया है। 3-4 दिन लगेंगे पहुँचने में। 2000 किलोमीटर यहाँ से दिल्ली पहुँचना है, साउथ टू नॉर्थ, दिल्ली से विकास नगर। तो 4-5 दिन डेली ब्लॉग आते रहेंगे भाई साहब। ओह वाह, मजे। कितना रॉन्ग सेट है, पेट्रोल लाने उधर से इधर है, वापिस उधर जाना है। नाश्ता तैयार, नाश्ता ले आओ जी हमारे लिए, रोटी ले आओ। अब पूछो ना कि आप क्या खाओगे नाश्ते में, क्या खाना चाहोगे, ऑर्डर ले लो हमारा। हमारे लिए पूड़ी आलू लाओ, हम ऑर्डर किया पूड़ी आलू। चलो जी पूड़ी आ गई। चलो जी अपना तो भैया ब्रेकफास्ट हो रहा है, बड़ा खतरनाक पंजाबी स्टाइल में, गाड़ी के अंदर ही, क्योंकि भूख आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। अभी चाय चो एनी बडी फॉर चाय। तो भैया हैदराबाद पहुंचने वाले हैं, भाई बाजू में हैदराबाद है, 30 किलोमीटर रह गए। तो चाय की लगी थी सबको तलब, तो कम्बल कम्बल निकलनी है। तो अभी तो ठंड में भी नहीं पहुंचे, पीने चाय फिर। हाँ भाई जी चाय पिला दो, पंजाब वाली कहाँ की चाय है वो? बंगाल की है, ईरान की तो नहीं है? हाँ भाई ईरानी रूनी तो नहीं है ना? चीनी ठोक दिए फूल इक्का ठोक दिए, मैं खड़ी चम्मच बना दिए। अरे हाय हाय क्या चाय है भाई साहब, मजा आ गया बंगाल की चाय पी। एक नंबर चाय, एक नंबर। एक बार पियोगे तो बार बार मांगोगे। कोड़ी वाले पत्ते विच नींबू पा के ठंडा लेमन बस क्लास। सेठ जी को भी चाय दो, इन सेठ जी को चाय पिलाओ, हमको भी एक ईरानी चाय पिलाओ। ईरानी नहीं बंगाली है, बंगाली है। क्या बात है, क्या रोड आ गया भाई जी। चढ़ गए हैदराबाद की रिंग रोड में और इस रोड में आते ही इतना सुकून मिलता है। 8 लेन रोड है, 1, 2, 3, 8 लेन है। यहाँ से गाड़ी 150 नीचे चलती नहीं, जितनी स्पीड है गाड़ी की सब खोल दो यहाँ पे, ऐसी रोड है।
ओ बच गए पंपा आ गया पंपा, ऐनी खुशी मैनू ता हुई जब इंडिया पाकिस्तान जीती सी इंडिया जीती सी। और उसके बाद आज हुई है भाई साहब, ऐसा लगा कि भाई मम्मी बच गए धक्के लगाने से, धक्के लगाने पड़ते हैं सबको। फुल कर दो भाई जी, फुल डीजल डाल दो भाई जी, डीजल 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 डालना ठीक है, 2000 का फुल कर देने क्या। परेशान हो गया तो सारे डीजल डीजल करके परेशान कर दिया। तो गाइस काफी ज्यादा आगे आ चुके हैं, हैदराबाद से 50-60 किलोमीटर और आ गया है। शर्मा के घर से खड़े दो फुफड़ा जी के पास आए और शर्मा के जा रहे हैं, खीर से हमारा स्वागत किया है भाई साहब, एक नंबर खीर मिली है काफी टाइम बाद, है ना। और शर्मा के भागने जैसे। तो बस गए, सीन ये हो चुका है कि अब नागपुर यहाँ से रह गया 350 किलोमीटर रह गया होगा बस, और 4:30 बज चुके हैं और मतलब 5 बजे ऐसे 4:30-5 बज गए, और मतलब अब हमें कहीं नहीं रुकना इसके बाद, तभी गाड़ी हम रात को 12 बजे तक लगा पाएंगे, नहीं तो अगर रुक गए हम तो भैया बहुत दिक्कत हो जाएगी, रात को 1 बज जाएंगे पहुँचते और फिर कल सुबह फिर हमें लेट हो जाएगी, इसलिए अब बस डिनर लंच वगैरह सब हो गया करके सीधा नागपुर लगाते हैं गाड़ी, वहीं मिलते हैं, वहीं चलते आप बात करते हैं। बाय 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 सीधा बात बोलो, चंगा जी अगली बार बाय बाय, ठीक है जी मिलते हैं। गाइस हियर वी कम्स टू अदिलाबाद, अदिलाबाद पहुंच गए यार, बहुत ज़्यादा थक गए, 7:30 बज गए, अंधेरे इतना ज़्यादा हो गया ना, और गाड़ी आगे दिख ही नहीं रहा क्योंकि रात को भी नहीं सोए थे, सुबह जल्दी उठ के आ गए, थके इतने हुए हैं। अब यहाँ से नागपुर 200 किलोमीटर और रह गया, और रात को स्टे नागपुर ही करेंगे, चाचा का घर है मेरे एक, तो वहीं पर जाएंगे, उनके घर ही चलेंगे, वहीं सोएंगे रात को, और इस टाइम काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं यार, अभी तक 700 किलोमीटर गाड़ी चला दी है।